हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं। ओवरऑल रीडिंग जो है डाइस रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें आपकी भी एनर्जीज को जो है मैं चेक करूंगी। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं जिस व्यक्ति का ये ध्यान कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जल्दी से पार्टनर का ध्यान करो। आपके पार्टनर की एनर्जी में लियो राशि दिख रही है, यहाँ पर टॉरस राशि है, जेमिनी राशि है, कर्क राशि है, वर्गो, पाइसेस, कैप्रिकॉन, यस, धनु राशि। ये साइन ज्यादा दिख रही है, राइजिंग साइन। पता नहीं क्यों मुंह से निकला, तो चांसेस है कि आपके पार्टनर के राइजिंग साइन हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर की कुंडली में राइजिंग साइन हो सकता है। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे इनकी एनर्जीज के बारे में बताएं। वहीं आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कर्क राशि, यहाँ पर वर्गो राशि है, और उसके अलावा लिब्रा राशि है, कुंभ राशि है, स्कॉर्पियो राशि है। बाप रे, कितनी राशियां निकली है आपकी। और उसके अलावा यहाँ पर नंबर्स जो है 6 9 ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 1 और 4, 14 और 24, 18 ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उस एनर्जी को हम पिक करते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी। अरे यार सॉरी यार, मैंने एक डाइस रखना था क्लारिफायर के लिए पर मैंने रखा नहीं। चलो अब मैं डेक्स का इस्तेमाल करूंगी। मुझे एक्चुअली एक डाइस एक्स्ट्रा में रखना पड़ता है जो मैं क्लारिफायर के लिए यूज करती हूँ, पर मैंने सारा डब्बा खाली कर दिया। चलो कोई बात नहीं, आज हम कार्ड यूज कर लेंगे। रिवर्स 1 on 2 की एनर्जी को क्लारिफाई करें। फ्रेश स्टार्ट करना जरूर चाहते हैं आपके साथ, और कहीं ना कहीं आपकी आपके बारे में सोच विचार कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में सोच विचार शुरू हो चुके हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। न्यू बिगनिंग कहीं ना कहीं नंबर 1 on 2 के साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी एक रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने की इच्छा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 on 2 की एनर्जी को क्लारिफाई करें। अच्छा, किसको किसको डाइस रीडिंग में बिलीव नहीं है? वैसे मुझे तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी उसी में लगती है। आई डोंट नो आप लोगों के बारे में, बट इट्स ओके, अपना अपना ओपिनियन होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स विद दी हर्मिट की एनर्जी, अकेलापन बहुत ज्यादा है। यहाँ पर 1 on 2 की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं। प्लस यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है, बहुत लंबे टाइम तक आपके पार्टनर जो है लड़का लड़की ये जो भी स्त्री पुरुष है वो बहुत लंबे समय से अकेलेपन से गुजर रहे हैं। बहुत लंबे समय से एक अजीब सी लोनलीनेस, एक एम्प्टीनेस है। प्लस इनकी लाइफ में ना किसी तरीके का स्ट्रगल जरूर दिखाई दे रहा है, इमोशनल स्ट्रगल है ये। इमोशनल स्ट्रगल ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि ये सबको खुश रख सके, पर ये किसी को भी खुश नहीं रख पा रहे, क्योंकि ये खुद भी खुश नहीं है। आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो अपने लाइफ में लव की कमी महसूस कर रहे हैं। ये लव उनको किसी से भी नहीं मिल रहा है, ये लव इस समय उनको किसी से भी नहीं मिल रहा है, फैमिली से नहीं, लोगों से नहीं। कोई कोई उनको ये लव दे नहीं रहा है। इसके वजह से चिड़चिड़े भी बहुत हो गए आपके पार्टनर, इसके वजह से बहुत चिड़चिड़े हो गए। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर संतुष्ट नहीं है, अपनी लाइफ में हैप्पी फील नहीं कर रहे, एग्जॉस्टेड है कहीं ना कहीं, और इसके वजह से ही दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त पिछले कुछ टाइम से ना ये किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, कोई लीगल लड़ाई है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि वहां पे सेपरेशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही है और इसके वजह से, और ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मे बी आप इनके कॉन्टेक्ट में है या नहीं है आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पिछले 3 महीने से इनके पार्टनर इनके साथ नहीं है। पिछले 3 मंथ से जिस थर्ड पार्टी के बारे में आप कंसर्न है या स्ट्रेस्ड आउट है वो इनके साथ नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताया थर्ड पार्टी और इनके बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है तो हम देख लेते हैं। लीगल मैटर है, आपके पार्टनर कोई लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या कहीं लोन लिया है जो चुकाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, 5 on 3, 5 with 1, 5 3 with 6 की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि देखो लोन की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि कहीं से लोन लिया है, पैसा लिया है, पर वहाँ पैसा चुकाना मुश्किल हो जाए, हो चुका है, वहां से इरिटेशन आ रहा है, लाइक लेटर्स पे लेटर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आ रही है, और ये चीज उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे 5 with 1, 5 with 3, 3 on 6 की एनर्जी को क्लारिफाई करें। 8 of Pentacles, यस डेफिनेटली ये अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट इनके लाइफ में, इनके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी संभल नहीं रहा है। क्लियरली दिखाई दे रहा है अपना बेस्ट ट्राई करके भी ये फेलियर को फेस कर रहे हैं, अभी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए थर्ड पार्टी और इनके बीच में चल क्या रहा है, थर्ड पार्टी इनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है।
बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं सेकंड चैनल पे काम क्यों नहीं कर रहे हो यार। मैं बना तो रही हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो, पर आप लोग देखते ही नहीं है, तो उसके मतलब मेरा मतलब ही नहीं है ना, मैं डबल डबल एफर्ट डालू, इधर से डालू उधर डालू, इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया है। अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों का, क्योंकि मैंने वहां पे इतनी वीडियोस डाली, इतनी फ्रेश फ्रेश वीडियोस बना बना के एक से एक अलग अलग टॉपिक कवर किए, पर आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ। ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, फिर उसका उसका लॉजिक ही नहीं है ना, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अभी उसलिए उसके मैं उस पर मैं काम नहीं कर रही हूँ। इन फ्यूचर मैं देखूंगी मेरे को क्या करना है, उस पर लाइव रीडिंग्स करनी है या क्या। फिलहाल मैंने उसको पेंडिंग पे रखा हुआ है, और मेरे को ऑलरेडी इतना काम बढ़ गया है कि मैं अब हैंडल भी नहीं कर पा रही हूँ। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विथ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, देखो यहाँ पर सामने से ही निकल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ ही इश्यूज चल रहे हैं। मैंने बोला ना, या तो थर्ड पार्टी के साथ है, या तो कोई पैसों के लेन देन को लेकर ये परेशान हुए हैं, कोई लोन लिया है जो चुकाना इनके लिए डिफिकल्ट हो गया है, जो चुका ही नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, जिसको चुकाना बहुत डिफिकल्ट है। यूनिवर्स और बताएं, थर्ड पार्टी और इनके बारे में और बताएं। टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यस, थर्ड पार्टी ने इनका दिल दुखाया है, थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया। यस, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया और यहाँ पर उनको चीटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर वो एक कम्पिटेटिव एनर्जी में है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उनका भी उनको भी इस तरह हर्ट करेगा, कोई इन्हें भी तकलीफ पहुंचाएगा, और यस, उनको कोई तकलीफ पहुंचाता नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी में क्लियरली फोर ऑन फाइव की एनर्जी है। आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। आइसोलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ज्यादा लोगों से आप कनेक्टेड नहीं है, आलसी से हो गए, लेजी से हो गए, ओवर थिंकिंग आपको बहुत होती है, आप कंट्रोल करें तो भी ओवर थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। स्पिरिचुअलिटी आपने अपनाया हुआ है, या फिर वीनस की एनर्जी स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रही है कि आप स्पिरिचुअल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब आपका स्पिरिचुअलिटी पे भी मन नहीं आ रहा, ना पूजा करने का मन करता है, ना किसी से कनेक्ट होने का मन करता है, बस लाइफ को जी रहे हैं, बट आगे ऐसा लग रहा है ना खुशी है ना दुख है, किसी चीज़ का एहसास ही नहीं है। लोगों के बीच उठ बैठ रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट किसी चीज़ की भी नहीं है आपके अंदर। यहाँ पर फाइव ऑफ, आई डोंट नो व्हाई आई सेड फाइव ऑफ, फाइव विथ फोर का एनर्जी, फोर विथ फोर ऑन फाइव की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं आप भी अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, या आप अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, आपकी फैमिली आपको समझ नहीं रही, आपकी फैमिली से आपको डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ रहा है। आप में से काफी लोग अपनी फैमिली से परेशान है, फैमिली प्रेशराइज कर रही है शादी के लिए, या तो आपकी फैमिली के साथ आपके कुछ ना कुछ इशूज हैं, आपकी फैमिली समझ नहीं पा रही है, यू नीड टाइम, यू नीड स्पेस, बट कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। फोर एंड फाइव आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी अंदर से एग्जॉस्टेड है, आपको टाइम चाहिए, आप समझना चाहते हैं सब कुछ, बट कोई आपको टाइम ही नहीं दे रहा है, कोई आपको स्पेस दे ही नहीं रहा है, एग्जॉस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जिम्मेदारियों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है आपके ऊपर, आपके कंधों पर बहुत बोझ दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे जुड़ी हुई है। प्लस यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आपके आपके आसपास ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, आपके आसपास आग जल रही है क्या, पता नहीं कि मुझे एकदम से आग रिफ्लेक्ट हुई, झटके से आई एकदम से और चली गई, या तो आप कोई लाइटर चलाकर बैठे थे अभी, शायद आप स्मोक करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि पता नहीं मुझे झटके से ऐसे आया और एकदम से गायब हो गया, तो पता नहीं कौन है भाई, जो भी हो ध्यान दो। और स्मोकिंग किल्स, क्या होते हैं, स्मोकिंग किल्स यू, स्मोकिंग गिव्स यू कैंसर, भाई मत करो प्लीज, रुक जाओ थोड़ा सा, जो है यार अपनी हेल्थ को बेटर रखो। ओके, यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है यार, यहाँ पर आप सफर तो कर रहे हो, आप आपकी स्ट्रगल बहुत लंबी चल रही है, आप जॉब भी हो सकता है ढूंढ रहे हो, आपको ढंग की जॉब नहीं मिल रही, ऑफिस पॉलिटिक्स में परेशान हो चुके हो, ऑफिस वाले समझ नहीं रहे, बहुत स्ट्रगल है, घर के अंदर भी घुटन सी महसूस हो रही है, घर के अंदर हो लेकिन घुटन में हो, फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फैमिली को लेकर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप इरिटेट हो गए, ऐसा लग रहा है कहीं छोड़कर भाग जाए, पर भाग भी नहीं पा रहे, फिर भी एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों आपका स्पिरिचुअलिटी पे भी कोई खासा मन नहीं आ रहा है, ना आपको पूजा करने का मन करता है, ना आपको मेडिटेशन करने का मन करता है, आपको लगता है जैसे सब दूर हो जाओ, भाड़ में जाओ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। आपकी एनर्जी में पता है क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है, ओके, यहाँ पर 10 के 7 के साथ, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी एनर्जी में, पता है क्या हो गया, आपका माइंड अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, अति प्रैक्टिकल हो गया है आपकी एनर्जी में, ना इमोशन है, ना प्रैक्टिकलिज्म है, कंफ्यूजन है, बैलेंस ही है नहीं। देखो मुझे पता है क्या दिख रहा है, कि जरूरत से ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो जाने का मतलब ये हो गया है कि आपको अब बिलीव नहीं हो रहा है लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं कि अब आपको लग रहा है कि क्या फायदा, मैं इतना करूं मुझे क्या ही मिलने वाला है। और या आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ऐसे हो चुके हैं कि रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि यार जब कुछ होना ही नहीं है, जब कुछ मिलना ही नहीं है, एट द एंड आउटकम ही नहीं है, या पार्टनर मेरा कुछ कर ही नहीं रहा है इतने टाइम से, तो आप क्या वो काट लेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसके वजह से भी भगवान से थोड़े से नीरस से हो गए, नाराज से हो गए भगवान से, जैसे कि आपके अंदर एक नाराजगी बन गई है कि यार अब मुझे रिलेशनशिप चाहिए नहीं, भाड़ में गए सबके सब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पूजा करनी है, ना मुझे, आप लाइक कहीं ना कहीं आपका मन बहुत खट्टा हो जाता है ना, वैसी वाली एनर्जी ज्यादा लग रही है।
आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि अब आपको कुछ चीजें ना विश्वास करने में दिक्कत हो रहा है, रिलेशनशिप पे विश्वास करने में, टैरो पे विश्वास करने में। टैरो रीडिंग देख रहे हो, मजे के लिए देख रहे हो, लेकिन विश्वास करने में डिफिकल्टी हो रही है। सिचुएशन बार बार नेगेटिव आ रही है। आप अपना पॉजिटिव चाहते थे, आपने बहुत होप्स रखी, बहुत ट्राई किया, बहुत मिन्नतें की, शायद मन्नतें मांगी, बट कुछ ना कुछ बात नहीं बनी। तो अभी आप फेडअप हो चुके हो, अभी आप बहुत इरिटेड हो चुके हो, आपकी एनर्जी में स्ट्रगल भी ऊपर से बहुत है, तो आप थक गए हो। आप बहुत ज्यादा आप इमोशनली वीक हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं रोते हुए, परेशान होते हुए ज्यादा नजर आ रहे हो। इमोशनली आप बहुत वीक हो गए हो, लेकिन ये प्रॉब्लम ये लग रही है कि रोना भी आपका अकेलेपन नहीं है, आप अकेले रोते हो, आपका रोना कोई नहीं जानता, बस आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको इरिटेशन आती है, मूड स्विंग्स हो गए हैं, आपको भयंकर मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से गुस्सा आने लगता है आपको। आपकी एनर्जी में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं, 4 ऑफ 5 की एनर्जी क्लारीफाई करें, 4 ऑन 5, 4 ऑन 5 को क्लारीफाई करें। पेज ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ वॉन्स, आप अपनी लाइफ में ना अच्छे दिन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यू कैन सी दैट आप वेट कर रहे हो कि भाई एक अच्छा समय मेरा कब आएगा, कब मेरा वक्त आएगा, जिसके वजह से आप इरिटेड हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। आप अपनी विश को, अपने डिजायर को बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए, आपकी इच्छाएं हैं पूरी होगी नहीं होगी, आप बहुत परेशान हो चुके हैं अपने फ्यूचर को सोच सोच के। आपका दिमाग जैसे ना बोलता है सर फटता है, ऐसी एनर्जी बन जाती है। 3 ऑन 2 की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपका समर्थन चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं इस वक्त आप उनको समझने की कोशिश करें और आपको आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको समझने का प्रयास करें, आप उनको जो है अंडरस्टैंडिंग दें, बिकॉज इस वक्त उनको सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना वो अपनी लाइफ में ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में फॉल का टाइम शुरू हो चुका है। उन्हें लग रहा है बस वो गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, उनके लिए उठना मुश्किल हो जाएगा, वो अपने आप को उठता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे। उन्हें लग रहा है कि वो धीरे 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 लॉस की तरफ, नुकसान की तरफ या बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास जो भी चीजें हो रही है ना वो अंदर से ना ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। उनको अंदर से लग रहा है वो पागल हो रहे हैं, इरिटेड हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जैसे वो खुश नहीं है अपनी लाइफ से, वो अंदर ही अंदर परेशान हो चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि मैंने कोशिश तो पूरी की, मैं इसको भरूं, उसको भरूं, इसकी खुशी रखूं, उसको खुश रखूं, पर एट द एंड मैं अंदर से खुश हुई नहीं, मैं हैप्पी ही नहीं हूँ। ये सब कहाँ से शुरू हुआ, ये कहाँ दिक्कत आई। अब ऐसे में उसको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दुनिया में सबको आजमा के देख लिया, पर अब आखिर में अंत में जब अकेलापन भारी होने लगा, दिन ब दिन मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ने लगा और स्ट्रेस सिचुएशन स्ट्रेसफुल होने लगी, तो इन्हें रियलाइज होने लगा है। आई डोंट नो मुझे रिबन क्यों दिख रही है एकदम से। ओके मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, रिबन छोड़ो। फिलहाल मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना उनका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ गया है जहाँ पे उनको लग रहा है कि मैंने सब जगह ट्राई कर लिया, शायद यही इंसान बचा है जो मुझे समझ सकेगा और कोई मुझे समझ नहीं सकता, शायद यही मेरे लिए पेशेंस रख के दिखा है। तो ये आपसे आखिरी उम्मीद है इनकी, आखिरी उम्मीद। आई एम नॉट सेइंग कि इसके बाद ये खुद को कुछ कर बैठेंगे, बस ऐसा लग रहा है कि बस अब ये जगत संसार सबसे ऊब चुके हैं, सब चीजें उनको मोह माया लग रही है, उनको लग रहा है हर एक व्यक्ति बेकार है, चाहे फैमिली बोल लो, चाहे घर वाले या बाहर वाले, सभी लोगों से वो ऊब गए, थक गए, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई व्यक्ति उनका साथ दे ही नहीं रहा है, कोई समर्थन दे ही नहीं रहा है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं यहाँ पर क्या जो दिख रही है मुझे, आपके पार्टनर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर, फ्रेंकली स्पीकिंग, लड़का लड़की स्त्री पुरुष कोई भी है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं 100%, ठीक है। और अब क्या हो गया ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे गुजर रहे हैं ना, इनका इनके थर्ड पार्टी ही इनको समझ नहीं पा रहे, इनके फैमिली वाले ही इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब समय बुरा आया है ना तब कोई साथ नहीं दे रहा है, तो सबने उनको जो है ना अपनी तरफ से वो दिखाना शुरू कर दिया कि भाई देखो ट्रू कलर्स बोलते ना, सही सही अपनी अपना सही फेस वो दिखाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से आपके पार्टनर बहुत हर्ट हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सबसे उम्मीद अब खत्म हो रही है, शायद ये एक इंसान बचा है जिससे अभी भी मेरी उम्मीद कायम है, यानी कि अभी भी आपसे एक उम्मीद है। आपके पार्टनर अपना पेन शो नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, आपके पार्टनर अपना पेन शो नहीं कर रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे, वो आपके सामने नॉर्मल दिखेंगे स्टेटस या किसी डीपी पे नॉर्मल दिखेंगे, बट वो अंदर से बहुत तकलीफ में। हो सकता है आपके पार्टनर की कहीं फोर्सफुली मैरिज वगैरह का ट्राई किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा अपने कल्चर सोसाइटी इसके उसके बारे में सिखाया जा रहा है, बट वो उस चीज से इंटरेस्टेड नहीं है, वो अंदर से तकलीफ से गुजर रहे हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ आपको देखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी ज्यादा दिख रही है जहाँ पे वो आपसे उम्मीद रख के बैठे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, 3 ऑन 6 की एनर्जी को क्लारीफाई करें, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस,
उन्हें लगता है उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसलिए आज उनके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। उन्हें लगता है उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, इसलिए आज वो भी चोट से गुजर रहे हैं। उनकी जिंदगी में आज उनका कोई साथी नहीं। देयर आर चांसेस कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया, हर्ट किया, पॉलिटिक्स खेली, और अब जो है वही व्यक्ति इनका साथ नहीं दे रहा है। समर्थन के लिए आज उनके साथ वही लोग खड़े नहीं है जिनका उन्होंने समर्थन किया, जिनको उन्होंने सपोर्ट किया, जिनको उन्होंने प्यार दिया। आज वही सभी लोग गायब हो गए। प्लीज क्लारिफाई, दान धर्मी स्वभाव उनका उन्हीं पे भारी पड़ गया। यूनिवर्स सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। प्लीज एक्सप्लेन यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। यूनिवर्स मुझे बताएं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। हैंगमैन, उन्हें लगता है कि अब वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां पर उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। वो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने फैमिली को सबको देखकर अब डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके पार्टनर अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, आपके रिलेटेड अपने माता पिता से फाइट कर रहे हैं। वो अपने माता पिता से एक स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी सिक्स ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक फाइटिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो आपके लिए अपने माता पिता से लड़ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे। सॉलिट्यूड, कार्मिक पार्टनर, मिरर सेल्फ, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में जो इश्यूज देख रहे हैं ना, देखो यार मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ना लोनलीनेस से तो बहुत गुजर रहा है। सॉलिट्यूड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है अकेलेपन को। आप देख सकते हो ये एनर्जी बांधा हुआ है, खुद को तकलीफ से गुजर रहे हैं, पेन में है बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर नॉर्मल फील नहीं कर रहे। कार्मिक पार्टनर आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी में ही यहाँ पर वो आए हैं। मिरर सेल्फ यानी कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने कितना कुछ गवाया है अपनी जिंदगी में, कितना कुछ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो चुका है आज के डेट में। सबको पाने बोलते ना, खुश खुद को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ खो बैठे। पता नहीं एक गाना सा रिफ्लेक्ट हुआ था जब एकदम से मैं कुछ बोल रही थी ना, एक गाना सा याद आ रहा था, खुद को पाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया, ऐसा कोई वर्ड वाला गाना था, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, आपके पार्टनर इस वक्त बस कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में जा रहे हैं, डीप विद इन झांकते हुए, अंदर 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 अपने डीप में झांकते हुए। अरे देखो डीप की बात बोली तो डीप कंटेम्पलेशन आ गया यहाँ पर। डीप विद इन झांकते हुए नजर आ रहे हैं आपके, आपको आपके पार्टनर समझने का प्रयास कर रहे हैं ये सब उनकी जिंदगी में घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं और आपसे उनका क्या लेना देना है। अंदर से उन्हें फीलिंग आ रही है कि आपके जाने के बाद ही ये सब चीजें क्यों घटित हुई हैं, ये सब कहाँ से कनेक्ट हुआ है, ये डॉट्स क्यों जुड़ी हुई हैं। आपके पार्टनर अपने अपनी फैमिली से भी बात करते हुए आपके लिए डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे और बताएं, आज आप लोगों की रीडिंग में ना बड़ी मिक्स्ड एनर्जी सी है, फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत मिक्स्ड एनर्जी है। आपके पार्टनर थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं। मैनिफेस्ट सपोर्ट, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इट्स अ राइट टाइम, आप अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू कर दो। ठीक है, मैनिफेस्टेशन शुरू करो, अब यूनिवर्स सपोर्टिव एनर्जी में। मैनिफेस्टेशन यानी कि पॉजिटिव फील करना शुरू करो, लव वाइब्रेशन भेजो अपने पार्टनर को, लव वाइब्रेशन भेजो। आपके पार्टनर आने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, आपको उनको हीलिंग देनी है, लव वाइब्रेशन देनी है। कैसे देंगे? पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव सपोर्ट से आप उन्हें हीलिंग देंगे, लव देंगे, तभी वो वापस आ पाएंगे। ठीक है, तभी वो वापस आ पाएंगे। अब उनको आप ही को लाना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करो, उनको जाना मुश्किल लग रहा है, मैनिफेस्ट करो। लग रहा है मैं नहीं जा सकती, मैं बात नहीं कर सकती, मैनिफेस्ट करो। ठीक है, बट अपने माइंड को पक्का करना, मैनिफेस्ट करने के बाद आपको क्रेविंग हो सकती है कि आप उससे बात करो, आप उससे मिलो। खुद को कंट्रोल करना और आउटकम को लेकर खुद को डेस्परेट मत कर देना कि आउटकम चाहिए, कब आएगा, 2 महीने में आएगा कि नहीं, 3 महीने में, स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स पे बिलीव करना सीखो। ठीक है, मैनिफेस्ट करके उस चीज को सरेंडर कर दो। ठीक है, यूनिवर्स आपके फेवर में, यूनिवर्स इज सेइंग मैनिफेस्ट करो। ठीक है, और बाकी लोगों को अगर कोई रीडिंग वीडिंग चाहिए, डिटेल्स चाहिए, और अगर आउटकम वगैरह चाहिए, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, आप फर्स्ट रीडिंग बाय कर सकते हैं। डोनेशन वगैरह करना है, सुपर थैंक्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ब्रेस्टेड वगैरह बनवाने हैं, अमित सर का नंबर यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए। ध्यान रखना मैं टिकटॉक और अन्य कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। पर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक या जहाँ पे भी आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, मैं वहाँ पे अपने नंबर्स नहीं बांटती और ना ही मैं कोई चार्जेबल रीडिंग्स के लिए आप लोगों को बोलती हूँ। तो अगर ऐसा कोई आपको अकाउंट दिख रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। मेहरबानी करके आप होशियार रहें, दिमाग बहुत ज़्यादा स्मार्ट रखें, अपना अलर्ट हो जाए और गलत लगे अकाउंट तो रिपोर्ट करें।
अब मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही हूँ जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिखती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे डिटेल्स दिखती है, और मेरी डिटेल कहीं और नहीं है, इवन कमेंट्स में भी नहीं मिलेगी, कमेंट में भी मैं कभी किसी को अपना नंबर नहीं देती, ठीक है? तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, बाकी तो आपकी लाइफ है, ठीक है? आप डिसाइड करें, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।